कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग यार। आज मैं स्टार्ट करूंगा हमारा फिजिक्स। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ईयर क्लास, ठीक। ज्यादा चैप्टर है नहीं, चार चैप्टर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैंने खुद पढ़ लिया इसलिए मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। एक जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, फालतू की चीजें नहीं करेंगे हम इसमें, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हम स्मार्टली पढ़ाई कर रहे हैं इसमें। ओके तो स्टार्ट करते हैं। ये एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास, इन सबकी वीडियोज है। और हर किसी में जैसे नाइन्थ में पांच चैप्टर है, टेंथ में भी शायद पांच चैप्टर ही है, तो चार पांच नौ, चार नौ पांच चौदह, सिर्फ 14 वीडियोस में आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, जिसमें आप सीटीएस, एनडीए एंड सीपीएफ इजली। ओके टेंशन मत लो, इस चीज को कंटिन्यू रखो। अगर मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, धीरे धीरे अपलोड करूंगा, तो ट्राई टू बी कंटिन्यू, लाइक एक रेगुलरिटी मेंटेन करके रखो। क्योंकि अगर एक बार मैंने सारी अपलोड कर दी तो आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा। सो बेटर जो मैं भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, आई एम श्योर यू हैव टू पे फॉर दिस, ठीक। बट प्लीज डोंट, यहाँ पे मैं करा ही रहा हूँ आपको। सो स्टे हियर, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर जिसका नाम फोर्स एंड प्रेशर, ठीक। तो इनका सर ये बता रहे हमें फोर्स क्या है, हमारा बल, प्रेशर क्या है, हमारा दाब, ठीक। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। Let us recall some of our everyday experience. What do you do make a football move? आप football को move करने के लिए करते हो, आप लात मारते हो, तो यानी कि force लगा रहे हो, ठीक। What do you do to make a moving ball move faster? एक चलते हुई ball को आप move faster करके उस पे और तेजी से लात मारते हो, चल जाती है, ठीक। इसके अलावा how does a goalkeeper pressure लगाता है, यानी कि force लगाता है, लेकिन opposite direction में। A hockey player changes the direction of the moving ball with a flip of the stick. How to fill up it वगैरह वगैरह, ये सब बता रहा है, ठीक। ये सारी सिचुएशन दे रखी है तो हम सब कह रहे हैं देखेंगे। तो हमारे फोर्स क्या है, फोर्स है दो टाइप, एक पुश है और एक पुल है। आपको भी उस शॉप वगैरह जाते हुए उसमें लिखा ना, टू क्लोज द डोर या फिर टू ओपन द डोर, पुश द डोर या पुल द डोर। पुल मतलब खींचना, ठीक। ये डोर लगा हुआ, आप इसको पुल करोगे तो बाहर की तरफ खींचना है, ठीक। पुश मतलब अंदर की तरफ धक्का दो, ठीक है, यानी कि दबाना या फिर धक्का देना, समझ गए। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग करना, हिट करना, लिफ्ट करना, उठाना, किसी चीज को फ्लिक करना, पुश करना, पुलिंग करना, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क, ठीक। तो ईच ऑफ दीज एक्शन यूजली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है हम पढ़ते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे एक सीरीज दे रखी, हमें उसको भरने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो कि ओपनिंग और शटिंग डोर हम क्या करेंगे, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, लिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक। एंड एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और पुल, क्या That can. ये सब भर लेना, इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें आपको पता होगा क्या है। देखो साइंस में हमारा एक पुश और पुल क्या है, ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। अगर हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं या किसी चीज को खींच रहे हैं तो वो क्या है, हमारा फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं ना। सो दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो किसी भी चीज में अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, गति हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है, या तो हमने हमने उस पर फोर्स लगाया। अभी वो फोर्स दो टाइप हो सकता है, एक होता है आपका पुल यानी कि आपने हो सकता है उस चीज को खींचा हो, और दूसरा हो सकता है आपका पुश यानी हो सकता है आपने उसको धक्का दिया हो, ठीक। समझ गए इस चीज को, चलो। तो फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, सपोज मैन, अब इंटरेक्शन से कैसे फोर्स हो, बहुत से फोर्स हैं जिनको आप इंटरेक्ट करोगे। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, मैं सीधा आपको ये बताऊंगा। अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, अगर आप ये बंदा खड़ा है और ये कार में आप बैठे हो, क्या ये कार अपने आप चलेगी जब तक ये बंदा कुछ नहीं कर रहा, ये बंदा इसको धक्का नहीं मार रहा है, तो ये कार नहीं चलेगी ना। लेकिन अब इस वाले में अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन, इस बंदे ने कार को धक्का दिया, मान लो कार खराब होगी, इसने बोला धक्का लगाओ, अब धक्का लगाएगा तो ये टच जो हो रहा है ना, ठीक, तो ये पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है, ठीक। तो अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन, तो यहाँ पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इस कार पे, और ये कार क्या होगी, अब आगे की तरफ चलेगी और क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ दे रखा है, हु इज पुशिंग हुम, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, देख लो। अभी यहाँ पे थ्री सिचुएशन दे रखी है, दैट मे बी फैमिलियर टू यू, कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग, किसको कौन खींच रहा है या फिर कौन धक्का दे रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को उल्टी साइड में पुल कर रही है, हु इज पुलिंग हुम, तो दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ठीक। इसमें हु इज पुलिंग हुम, ये भी दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, एक्चुअली ये अपनी तरफ पुल कर रहा है ज्यादा, लेकिन अब फोर्स इसके बाद ज्यादा हो तो ये पुल कर ले जाएगा उसको, ठीक। So the girls in the two situations shown here are applying force on each other, donor. Is it also true for the man and cow? Yes. From these examples, we can infer that at least two objects must interact करें
फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले, किसी एक बल को काम में आने के लिए दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दस एंड इस प्रकार क्या है कि एक इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद दूसरा ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? एक रिजल्ट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक, समझ गए। अब फोर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। ये उन्होंने दे रखा है, पूरा एग्जांपल हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? सुना होगा आपने, रस्सी वाला, ये वाला रस्साकसी। द रोप मे नॉट मूव इफ द टू टीम्स पुल एट इट विद इक्वल फोर्स। इन्होंने भी मान लो, अच्छा फोर्स को हम न्यूटन में नापते, तो मान लो इन्होंने 100 न्यूटन का बल लगाया इधर, इन्होंने लगाया 100 न्यूटन, दोनों एक दूसरे की तरफ पुल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो है ना ये एक ही जगह पर रहेगा, ठीक। लेकिन मान लो ये 100 न्यूटन लगा दिया और इसमें इन्होंने मान लो 50 न्यूटन लगा पाया, तो ये फोर्स ज्यादा हो गया, तो ये लोग इधर खींच लेंगे इस चीज को, ठीक। तो देखो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड हो जाता है कि गाड़ी जैसे मान लो बॉल इधर मूव कर रही थी, आपने इधर से इधर कोई लात मार दी, तो इसकी जो स्पीड थी वो बढ़ जाएगी ना ऑब्वियसली, ठीक। कि कोई साइकिल अगर आपका दोस्त चला रहा है, आपने पीछे आके साइकिल में धक्का मार दिया उसी डायरेक्शन में, इधर उसका स्पीड चल रहा है, इधर ही आपने फोर्स लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक। तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड हो जाता है टू एक दूसरे से। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन एक्टिविटीज में। देखो आप दोनों अगर इसको एक ही डायरेक्शन में पुश करोगे तो ये चला जाएगा इधर, लेकिन इधर अगर आप उल्टा उल्टा कर रहे हो, ये उधर धक्का दे रहा है, ये इधर धक्का दे रहा है, तो ये कहीं जाएगा? पूरी जिंदगी खड़े रहोगे उल्टे, कहीं नहीं जाएगा ये। इफ द टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, इफ दो फोर्स आर वर्किंग एक्टिंग कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स, इन दोनों का माइनस हो जाएगा। ये भी 10 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन लगा रहा है, तो फोर्स टोटल कितना हो गया? 10 माने तो यानी कि 0, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन उल्टा है, ठीक। ये बेसिक सी चीजें आपको पता होंगी। बस आपको यहाँ पे फिजिक्स की लैंग्वेज में समझना आपको चाहिए। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुलिंग इक्वली हार्ड, दो टीम एक दूसरे को इक्वली हार्ड तरीके से पुल करती हैं, सो द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर, हो सकता है हमें पता है, देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजली एक्सेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बता चुका हूँ ना आपको, न्यूटन में जो मापते हैं। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट करता है, ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज होता है, उसका इफेक्ट भी चेंज होता है। ऑब्वियसली यार, जो 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है किसी का, किसी का 100 न्यूटन का है, तो ज्यादा काम काउट करेगा, ये करेगा क्योंकि इसके पास ज्यादा फोर्स है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शन का भी होगा, एक बॉल इधर जा रही है, आपने लात इधर ही मार दी है, तो ये बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन बॉल इधर जा रही थी, आपने लात इधर मार दी, तो ये बॉल की स्पीड कम हो जाएगी, हो सकता है अपोजिट साइड में भी चली जाए, ठीक। देखो इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स, ठीक। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, देखो यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी दे रखी है, स्टेट ऑफ मोशन कैसे बदलती है, एक सेकंड। You might recall similar situation, for example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball, tick, before being hit. Hit होने से पहले ball, the ball was at rest and so its speed was zero. अब क्योंकि ball speed zero मतलब rest पे खड़ी रखी हुई है, तो उसकी speed कैसी है? Zero है, ठीक। The applied force makes the ball move towards the goal. अब किसी ने लात मारी तो वो goal की तरफ चली, तो वो मूव हुई, ठीक है। सपोज द गोल कीपर ड्राइव और जंप किया अप टू सेव द गोल, व्हाई हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। सो इफ द गोल कीपर सक्सीड होता है इन स्टॉपिंग द बॉल, इट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है जीरो तक। ये नेट है, ये खड़े हो, ये है मैं, मैंने मारा गेंद में बॉल में पैर, आपने जंप करके उसमें मारा, अपना चेस्ट रोक लिया, ठीक, रुक गई बॉल, तो रुक गई यानी कि उसका हो गया मूवमेंट जीरो। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड, ठीक, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स की मोशन, सो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो जाएगी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट, भाई मैं आपको बता चुका हूँ,
बॉल उधर जा रही है, आपने लात उधर मार दी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, सेम उसी डायरेक्शन में मार दी लात। तो अब देखो इसमें ये भी इधर चल रहा है पहिया, और इधर से पीछे डंडा इधर से फोर्स मारता रहता है, ठीक। तो इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती रहती है। लेकिन मान लो ये इधर जा रहा है और आपको इसको रोकना हो, तो ये आगे जाके डंडा पीछे से रोकेगा इसको, ठीक है, यानी कि फोर्स उल्टा लगाएगा, तो वो चीज रुक जाएगी। बहुत बेसिक चीजें यार, समझते हो आप लोग, उनको तो पता ही है। चलो छोड़ो, ये कुछ भी नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हम देखते हैं। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल, प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव, ठीक। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। इन क्रिकेट अस बैट, ये सब उधर का। तो यहाँ पे पढ़ो कि अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। दस एक फोर्स क्या है, मे ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है गति को किसी ऑब्जेक्ट की, इतना ही इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इसकी स्पीड क्या है एंड द डायरेक्शन क्या है मोशन का। तो द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब हो सकता है वो रुकी हुई हो सकता है वो चल रही हो। अगर उसकी स्पीड बढ़ गई तो हमने फोर्स जो लगाया वो प्लस हो जाएगा, अगर उसकी स्पीड घट गई तो हमने जो फोर्स लगाया वो माइनस हो जाएगा, क्यों, हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया हुआ। समझ गए। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस। ये आपका थोबड़ा है, मैंने पंच किया, आप फोर्स लगा आपके गाल पे, आपका थोड़ा आपका गाल टेढ़ा हो गया, तो क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, ये देखो यहाँ पे आपका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक। नीचे देखो यहाँ पे, ये देखो इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं बस एग्जांपल। A lump of dough on a plate, pressing it down with your hands. Change in motion. While sitting up, तो नीचे दब जाता है, change होता है. ये keel, it's free वगैरह वगैरह. तो अभी देखो इसके नीचे दे रखा हुआ है. What do you conclude from the observation? ठीक है, ठीक है. तो in all these examples जो थे ऊपर वाले, तो in all these examples you saw that the application of force on an object may change its shape. बदल सकती है। आटा है आपने गूथा ऐसा है, लेकिन जब आप उसको चपाती बनाते हो तो वो फैल जाता है, ठीक। थोड़ा सा टुकड़ा लिया, उसको रखा यहाँ पे, और बेलते 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 बदल गया ना, आपने फोर्स लगाते गए ऊपर से और उसका जो है शेप बदलता रहा, ठीक। तो फोर्स उसका शेप भी बदल सकता है, बस यही है। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट अ फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट तेजी रेस्ट में कर सकता है, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्शन बदल सकता है, मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बदल सकता है, और मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट हो सकता है, इनमें से कुछ करे हो सकते हैं, इनमें से सारे करते हैं, ठीक। तो व्हाइल अ फोर्स मे कॉज वन और ऑफ दीज इफेक्ट, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स। सो दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट खुद से नहीं मूव कर सकता, इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ, इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। मतलब कोई भी काम अपने आप नहीं होगा, किसी भी चीज के लिए हमें फोर्स चाहिए होगा, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉन्टेक्ट फोर्सेस में सबसे पहले हमारा फोर्स है दैट इज मस्कुलर फोर्स, ठीक। यहाँ पे देखो, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अ बॉडी। मसल्स जो हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं वो हमारी मसल्स का फोर्स है, सो ठीक है। सो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, जो फोर्स हमारे मसल्स के रिजल्ट हो उसको बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। तो इट इज द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल करता है हमको परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट बेंडिंग आवर बॉडी इन क्लास 7th यू हैव लर्नड व्हेयर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, कुड इट बी देखो यार जीभ लड़खड़ा जाती है, could it be a muscular force that does it, no। you also know that the lungs expand karte hain and contract karte hain while we inhale, ab hum andar saans lete hain to hamare lungs kya karte hain, phephde bade ho jate hain, theek, and exhale jab bahar nikalte hain to phephde chote jate hain, air during breathing, so where are these muscles located which make breathing possible, can you list a few more example of this force wagera wagera। dekho animals also make use of muscular force, ये भी अपनी बॉडी का मस्कुलर फोर्स यूज करके
बुलक कार्ट को आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक। तो सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, समझ के, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टेक्ट फोर्स। ऐसा नहीं होगा कि जो बुलक कार्ट है इन बैलों को हमने आगे खाली चढ़ा दिया और उसको खड़ा कर दिया यहाँ पे तो क्या चलेगा, नहीं, जब तक ये कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा मस्कुलर फोर्स काम नहीं करेगा। फ्रिक्शन बोलते हैं इसको हिंदी में, हमारा घर्षण बल। तो रिकॉल समा फॉर एक्सपीरियंस, अ बॉल, अगर कोई बॉल रोल हो रही है थोड़ी देर में, अगर हम उसको नहीं रोकते हैं स्टिल वो अपने आप जाके थोड़ी देर बाद रुक जाती है, क्यों, क्योंकि उस पर घर्षण बल लग रहा होता है। घर्षण मतलब कि वो कोई भी बल हो सकता है, अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल, हम की साइकिल चला रहे हैं हमने पेडलिंग करना बंद कर दिया, तो इट ग्रेजुअली स्लोस डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप, रुक जाती है। एक स्कूटर काम कर रही है रुक जाते हैं। तो इन ऑल दी सिचुएशन नो फोर्स टू बी एक्टिंग अपीयर, हमें कोई दिखता नहीं कि कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा है इन ऑब्जेक्ट पे, लेकिन उनकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है एंड फिर उसके बाद रुक जाती है। तो व्हाट कॉजेज अ चेंज, उनकी मतलब वो स्पीड कैसे कम हुई, कुड यू कुड सम फोर्स बी एक्टिंग, कुछ ना कुछ तो फोर्स काम करेगा। तो देखो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप चल रहे हो रोड पे, सॉरी आप साइकिल चला रहे रोड पे और इधर रोड है, तो आपके बीच में जो एक फोर्स लगेगा ना वो होगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट, ओके। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग करता है इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग, ठीक। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट करता है ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन। फ्रिक्शन का फोर्स हमारा हमेशा काम करता है मूविंग ऑब्जेक्ट पे एंड उसकी डायरेक्शन पे, विच इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टूडेंट में, कि जो हमारा घर्षण बल है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा जिस भी एरिया में, जिस भी साइड में, जिस भी डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट में लगता है, बस ये याद रखना और आपको कुछ नहीं रखना। सो सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है ड्यू टू कॉन्टेक्ट बिटवीन सर्फेसिस, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक। यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स, देखो ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद, लेट अस फाइंड आउट। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होते हैं, जिनके लिए हमें कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए, जिनको हमें टच नहीं करना है, वो दूसरी फोर्स में आ जाएंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स यानी कि हमारा चुंबकीय बल, ठीक। आपने कभी लिए होंगे जो चुंबक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी। तो पेयर ऑफ वॉर मैग्नेट आप लेते हो, ठीक, तो चुंबकों को पास पास लाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक, पता है ना। लेकिन पास पास लाने भी अगर उनको टच नहीं करोगे ना, तब भी टच करोगे तब तो वो चिपक ही जाएंगे, लेकिन अगर उनको पास पास लाओगे तो वो एक ये इधर पुश करेगी, ये इधर पुश करेगी एक दूसरे की तरफ, ठीक। तो हम उनको बिना टच में लाए भी एक फोर्स उनके बीच में काम कर रहा होता है, तो वो क्या है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, एक कैसा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक। देखो यहाँ पे बनाते हैं, सो डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट, ये देखो हम बचपन करते हैं ना, एक पेपर लेते थे, ऊपर हम चुंबक रखते थे, नीचे पैसा रखते थे, कोई भी लोहे का आइटम, ऊपर से फिर उसको ऐसे दिखाते थे, जाओ नीचे चुंबक रखी है, ऊपर वो रखा है, कि देखो ये मूव करूँ बिना उसके, या हथेली पर रख लेते थे, तो जैसे जैसे नीचे चुंबक को मूव करते थे वो अपने आप मूव करती थी, याद है कुछ। सो ये क्या हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, बीच में हमारा वो भी है, मतलब अवरोध भी है, यानी कि बीच में हमारा कुछ ना कुछ उसको क्या बोलेंगे, बाउंडेशन भी है। सो डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, व्हाट टू दीज वगैरह वगैरह पूछा है। तो पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मैग्नेट होती है उसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, ठीक। मान लो ये हमारी एक मैग्नेट है सॉरी नॉर्थ साउथ, एक ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। अगर ये पोल और ये पोल मतलब हमने ऐसे से लेके आए दो पोल, ठीक, इधर भी नॉर्थ है और इधर भी नॉर्थ है, ऊपर साउथ है ऊपर साउथ है, तो अभी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। देखो सेम जब भी पोल होगा ना तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, समझ गए। और इधर मान लो ये है हमारा नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इसमें हमारा ऊपर नॉर्थ पोल है नीचे साउथ पोल है, तो अभी इधर साउथ है इधर नॉर्थ पोल है, इधर पोल डिफरेंट है, तो ये क्या करेंगे दूसरे को, ये आप लिख लो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बस एक दूसरे की तरफ खींचेंगी, और अगर सेम पोल आ गया तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है।
So attraction or repulsion between two objects can also be seen as another form of pull or push. ठीक, so do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? नहीं, पास में लाते ही contact में नहीं लगाना पड़ेगा, चिपकाना नहीं पड़ेगा, उसके surrounding area में आते हैं, आपको ये महसूस होगा. So do you have to bring, वगैरह वगैरह हो गया. So a magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. ठीक. Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force. तो समझ गए आप लोग. अब हम बात करते हैं electrostatic force. इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? स्थैतिक विद्युत, स्थैतिक घर्षण बल, क्या बोलेंगे? विद्युत स्थैतिक बल, ऐसे कुछ बोलेंगे. हिंदी वालों देख लेना एक बार, हिंदी में चेक करके. So, Astra is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. अरे हम करते हैं ना, हमने पेंसिल या पेन लिया हमारे बालों में, हमने उसको रब किया, रगड़ा, उसके बाद हम उसको धीरे धीरे ऐसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठा के इसको ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे ना, तो उसमें जमीन पे जितने भी कड़ होते हैं ना वो चिपक जाते हैं मिट्टी वगैरह के. तो सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी. अब इसको क्या है? द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी. चार्ज बॉडी इनकी, उसमें क्या हमारे आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं. ठीक. और अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देखो, दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. अब देखो इसके बारे में बताएं आपको. तो आपने पेन लिया, ये पेन है आपका, ठीक, टिचियाँ टिचियाँ वाला, आपने अपने सर में उसको रगड़ा रगड़ा, उसके बाद आपने जमीन पे पूरा नहीं रखना, लिटाना नहीं है, जमीन से थोड़ा उठा के धीरे धीरे उसको ऐसे ऐसे थोड़ा एक ना ऐसे घुमाना है जमीन के ऊपर हल करके. तो आप देखोगे नीचे जमीन से कुछ टुकड़े उठ के अपने आप पेन में चिपक जाएंगे. वो कैसे हो रहा है? उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है और वो पेन हो जाता है हमारा चार्ज्ड, यानी कि उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स वगैरह स्टार्ट होने लगता है, मतलब मूव करने लगता है. ठीक. तो उसमें आ जाता है हमारा आवेश, यानी कि चार्ज क्रिएट हो जाता है और इस वजह से हमारा जो भी है वो चीजों को अट्रैक्ट करता है. तो हम उसको जमीन से टच नहीं करते हैं, बिना टच किए ही हमारा छिपक जाता है. सो ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं. हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है? हमारी अर्थ है या फिर दुनिया में कोई भी चीज है, वो एक दूसरे की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक. ये बहुत ही वीक फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स मेनली हमारा अर्थ की अपनी तरफ जब किसी भी चीज को खींचती है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल. इवन दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड. अगर आपने कोई ऊपर पैसा से कुछ भी चीज फेंकी और वो थोड़ी देर में नीचे आ जाती है, क्यों आई नीचे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है. ठीक. सो व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड, तब वो रेस्ट में था, एज सून एज इट इज रिलीज इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स. ठीक. इट इज क्लियर दैट अगर आप हाथ में पकड़े सिक्का छोड़ते हो तो वो नीचे ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है. इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज एंड कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. फोर्स कौन सा है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज अर्थ उनको खींचती है. ठीक. बिकॉज अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी. दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity, देखो ये सारे ऑब्जेक्ट पे काम करता है. Gravity acts on all of us all the time without our being aware of. हमें इसके बारे में पता भी नहीं होता, तब भी हमारे साथ ये काम कर रहा होता. अगर हम जमीन पे बैठे हुए आज तो हमारे ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी. हमें पता ही नहीं है. अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हो सकता है हम जमीन पर नहीं होते, थोड़ा हवा में होते, कहीं भी हो सकते थे ना. वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप. क्यों? ग्रेविटी. वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. मतलब कोई भी चीज पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है तो वो डाउन ही जाती है मोस्टली. सो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ. अकेले सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं, इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल लार्ज जो भी है एग्जर्ट करता है फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट. और इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक. अब बात करते हैं प्रेशर यानी कि दाब. तो आपने देखा होगा फिर दाब क्या होता है, किसी चीज को पुल या पुश करना. इसके बारे में देखो बताता हूं ऊपर. सो द पॉइंट इन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. दाब क्या है?
ये कोई एरिया है, उसके एक यूनिट एरिया पर आप कोई प्रेशर लगा रहे हो, उसको बोलेंगे हम उसे फोर्स लगा रहे, सॉरी उसके बोलेंगे हम प्रेशर। ठीक, पी बराबर एफ अपॉन ए, मतलब कि पी है हमारा प्रेशर यानी कि दाब, एफ हमारा फोर्स यानी कि बल, और ए है हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो एक यूनिट क्षेत्रफल में अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे उस पर तो वो क्या होगा, वो दाब कहलाएगा। बस यहाँ पे याद रखो आप, दाब का फॉर्मूला पी बराबर एफ अपॉन ए। बस So at this stage we consider only those force which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. So बोलेंगे हम प्रेशर, देखो ये सरफेस है आप ऊपर से लगाओगे तभी होगा प्रेशर। ठीक, I now understand why porters place a round piece of cloth on their heads when they have to carry heavy loads by doing. अच्छा ये देखो, ये अपनी उस पर क्यों रखते हैं पगड़ी, इससे कि वो एरिया बढ़ जाता है। अब देखो P बराबर F अपॉन A था, अगर ये बढ़ेगा क्योंकि ये देखो एक दूसरे के इनडायरेक्टली है, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा ना, तो ये एरिया बढ़ा देते हैं पगड़ी लगा के। पगड़ी का एरिया ज्यादा है, जैसे एरिया बढ़ा तो फोर्स उनके ऊपर प्रेशर कम लगेगा, इसलिए वो हैवी आइटम भी आराम से उठा सकते हैं। समझ गए? तो नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, तो वही से मैं बता चुका हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, वो भी हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, कैसे प्रेशर डालते हैं ये देखते हैं। सारी एक्टिविटी दे रखी है, अभी देखो यहाँ पे देखते हैं। नोट दैट द रबर शीट हैज बीन, ओके ओके ओके, चलो। लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, टू गैसेस आल्सो एग्जर्ट प्रेशर। अभी देखो इन्होंने एक्टिविटीज दे रखी है, प्रेशर कैसे डालता है। देखो ये बोतल है, ठीक, इन्होंने नीचे पानी भरा, उसमें लिक्विड उसके अंदर है, इन्होंने नीचे छेद किया तो पानी नीचे से निकल गया और तेजी से निकला। अगर पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा तो जो प्रेशर जो पहले ऐसे निकल रहा था अभी धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है तो जो हमारा लिक्विड का वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है ना, तो लिक्विड्स एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, हर जगह पर पानी इकट्ठा निकलेगा। अब देखो वॉल्स ऑफ द कंटेनर में भी डालता है, लिक्विड भरा हुआ है, हमने इधर एक उसका टोटी लगा दिया और उसमें एक बैलून लगा दिया, तो जैसे ही हम पानी भरेंगे तो इसमें ये बैलून फूल जाएगा। ठीक, यानी कि लिक्विड भी प्रेशर लगाता है। ठीक, इसके अलावा हमारा गैस भी लगाती है। ठीक, लिक्विड विद प्रेशर ऑन द वॉल्स, तो गैस भी क्या एग्जर्ट करती है प्रेशर। तो आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन पाइप्स सप्लाइंग वाटर, इट इज नॉट ड्यू टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप्स, इज इट नॉट? यस इट इज। सो व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून, आप किसी बैलून को इन्फ्लेट करते हो, सो व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ, आपने उसमें गुब्बारा भरी, सॉरी गुब्बारे हवा भरी, आपने उसका मुंह क्यों बंद किया? व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून, अगर आप उसको खोल दोगे तो क्या होगा? सपोज यू हैव अ बैलून व्हिच हैज टू होल्स, किसी उसमें होल्स हैं, सो वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट, क्या आप उसको फैला पाओगे? नहीं। कैन बी से दैट एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, यस। सो डू यू रिकॉल व्हाट हैपेंस टू द एयर इन साइकिल ट्यूब, साइकिल के ट्यूब होते हैं हमारे, व्हेन इट हैज अ पंक्चर, पंक्चर हो जाता तो लीकेज हो जाता ना, हवा भरते सारी निकल जाती तो प्रेशर ही नहीं डाल पाता ना। सो डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करते हैं हमको दैट एयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून या फिर ट्यूब, सो वी फाइंड दैट गैस टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, तो लिक्विड हो या गैस हो वो भी प्रेशर डालते हैं जिसमें भी वो होते हैं। ये करते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा वातावरणीय दाब। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब, सॉरी, यू नो दैट देयर इज और एयर, हमारे चारों तरफ हवा है, ये इन्वॉल्व करती है, एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, वातावरण। ठीक, वायुमंडल, सो द एटमॉस्फेयर एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, मैंने जियोग्राफी के लेक्चर में सब बताया कि कौन कौन सा स्फेयर कहाँ पे है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, इसमें हवा भरी हुई है, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये क्या बता रहा है कुछ समझ नहीं आया ना, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट अस अब मैरिट पे बात करते हैं। इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है, सो व्हेन यू प्रेस द सकर most of the air between its cup and surface escapes out,
देखा कि टेक अ गुड क्वालिटी रबड़ सकर, रबड़ सकड़ होते हैं ना जैसे, ये है इसको यहाँ पे रख दोगे और उसके बाद इसको आप ऊपर उठाओगे तो ये उठेगा नहीं, ठीक। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप, प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस, डज इट स्टिक टू द सरफेस, नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट? भाई साहब नहीं निकाल पाओगे आप, बहुत बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। सो व्हेन यू प्रेस द सकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन, जो हवा होती है जब उसको दबाते हो, हवा होती है जो एयर बिटवीन जो कप और सरफेस के बीच में, वो बाहर निकल जाती है। तो द सकर स्टिक्स टू द सर्फेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमोसफियर उसके ऊपर काम करने लगता है, ठीक। टू पुल द सकर ऑफ द सर्फेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमोसफेरिक प्रेशर, जब तक जो एटमोसफेयर का प्रेशर ऊपर से लग रहा है उससे ज्यादा हम नहीं लगाएंगे तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा। सो दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमोसफेरिक प्रेशर, इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग टू पुल द सकर ऑफ द सर्फेस इफ देयर वर नो एयर ऑल बिटवीन द सकर एंड द सर्फेस, समझे? अगर मेरे इफ द एरिया ऑफ माय हेड वर 15 इनटू 15 इनटू 50, हाउ मच फोर्स एयर विल एग्जर्ट ऑन माय हेड, ज्यादा होता भाई, एरिया ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होता है। सो द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड 15 इनटू 50 इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज योर 225 किलोग्राम या फिर 2250 न्यूटन। द रीजन वी आर नॉट क्रस्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ आवर ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इन साइड आर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल, हमारे अंदर की जो बॉडी बींस हैं वो एक इक्वल प्रेशर लगाती हैं तो हमारा एटमोसफेरिक प्रेशर और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक। तब हम दबते नहीं, नहीं तो हम दब जाते, ठीक। लेकिन आपने कभी सुना होगा जैसे लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो उनकी नाक से, मुँह से, कान से खून निकल आता है, क्यों निकल आता है? अब देखो बताऊँ आपको, तो रीजन एक बेसिक सा, जब हम कभी भी हाइट पर जाते हैं, पहाड़ों वगैरह पर जाते हैं, तो हमारी जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर वो कम हो जाता है और हमारी बॉडी का प्रेशर उतना ही रहेगा, ठीक। अब देखो जब हम सरफेस में नीचे हैं तो हमारी बॉडी का प्रेशर और रियल प्रेशर इक्वल है, ठीक। लेकिन जब हम ऊपर गए, पहाड़ों पे गए, हमारी बॉडी का प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर पे हमने बताया ना, हाइट पे जाने पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो ये प्रेशर कम है, हमारी बॉडी से ज़्यादा तेज से ब्लड बाहर निकल जाएगा, समझ गए? इसलिए हम ब्रेथ करते हैं। तो ओटो बॉन ग्रुशुनशुन, ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे ऑफ 17th सेंचुरी के, इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ अ वेसल विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, ही डेमोंस्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द प्रेशर, ही जॉइंड टू होलो मेटालिक एटमॉस्फेयर ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच एंड पंप्ड एयर आउट ऑफ देम, देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट, वगैरह वगैरह। तो ये सब हुआ, तो हम खत्म करते हैं हमारा चैप्टर यहाँ पे, हो गया। यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे दे रखा है कि फोर्स कुड बी अ पुश और पुल, हमें पता है एक फोर्स अराइज होता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ओके। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो यानी कि फोर्स कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है, बट एक हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक। अ चार्ज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इंप्लाइज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, force acting on any an object may cause a change in its state of motion or a change in its shape, ठीक। a force can act and on object with or without being on a contact with it, कर सकता है, जैसे कि contact वाले force हमारे muscular force वगैरह, non contact हमारे क्या बोलते हैं, gravitational force, magnetic force, ठीक। force per unit area is called pressure, liquids and gases exert pressure on the walls of their containers, एंड लास्ट हमारा द प्रेशर एग्जर्टेड बाई एयर ग्राउंड इज नोन एज द एटमॉस्फेयर प्रेशर, दैट्स इट, हमारे चैप्टर होता है खत्म। सो सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय, ध्यान रखो, कोई डाउट हो जस्ट डू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ठीक, या फिर कमेंट करो मेरे को नीचे, सब्सक्राइब कर सकते हो इफ यू वॉन्ट, इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक, यू कैन क्लिक कर सकते हो लाइक पे, आई डोंट से मच यार बिकॉज आई नो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करूंगा अभी आप लोगों के साथ, ठीक। अभी मैं आपको सिर्फ वही कराऊंगा जो एनसीईआरटी बताती है और जो यूपीएससी का एक्चुअली सिलेबस है, ठीक, जिससे मैं हमेशा दूर भागता था, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू फिनिश दिस पर्टिकुलर थिंग एनसीईआरटी एंड देन ओनली आई वाज एबल टू क्लियर माय एग्जाम ऑफ द सीएपीएफ 2021। फॉर दैट यार करो इसको यार, कोई डाउट हो मेरे को बताओ, आप हेल्प यू आउट इन ईच वे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।